दोस्तों नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे में क्या डिफरेंस होता है? तो देखिए नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे में मेन डिफरेंस स्पीड लिमिट को लेके होता है। आप नेशनल हाईवे में आप देखोगे तो एवरेज स्पीड लिमिट आपको 80 किलोमीटर से लेके 100 किलोमीटर तक देखने को मिल जाती है, और वहीं पे एक्सप्रेसवे की बात करोगे तो एक्सप्रेसवे पे आपको एवरेज स्पीड लिमिट 120 किलोमीटर के आसपास देखने को मिल जाती है। बट हाँ, छोटी गाड़ियां, बड़ी गाड़ियां, इन सब में ना स्पीड लिमिट थोड़ा ऊपर नीचे करती है। अब इसके साथ ही आप देखोगे तो एक्सप्रेसवे से ना जो जुड़ने के साधन होते हैं, जो जुड़ने के रोड होते हैं, वो बहुत ही लिमिटेड होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि कोई भी रोड आके एक्सप्रेसवे से जुड़ जाएगा, नहीं। और ये इसलिए किया जाता है जिससे कि दुर्घटनाओं को टाला जा सके और जो मैक्सिमम एवरेज स्पीड है उसको इजीली अचीव किया जा सके।